जरा इसको थोड़ा सा फास्ट पेस रखेंगे इस सेगमेंट में डिस्कशन को। नंबर वन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को GIT के सामने पेशी से सियासी फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, मैं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका जो ये डिपेंड करता है कि GIT और कंसिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। नहीं, अभी फिलहाल बताएं ना मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमने तो तीन नस्लों का हिसाब दे दिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पेश हो रहे हैं, तो सियासी फायदा एक तरीके से। ये तो प्रोपेगेंडा है ना जी, ये तो प्रोपेगेंडा है। लेकिन जो अगर कल सुप्रीम कोर्ट अगर इनको गिल्टी करार दे देती, अगर जिसके चांसेस मुझे तो बहुत कम नजर आते हैं, अगर वो गिल्टी करार दे देती है, तो फिर तो वो इनको क्या ज्यादा से ज्यादा सिम्पथी वोट लेंगे, लेकिन मुझे कोई सिम्पथी वोट नजर मिलता हुआ आता है इसलिए नहीं आ रहा कि जो अवेयरनेस लेवल है इस वक्त मुल्क में वो बहुत ज्यादा हो चुका है, और एक जनरल कंसेंसस है कि इन्होंने गंद तो किया हुआ है लेकिन पकड़े नहीं जाते। अब ये लोगों में डिस्कशन ये है, ये नहीं होती कि इन्होंने गंद नहीं किया हुआ, ये ऑलमोस्ट एक यूनिवर्सल रियलिटी है कि इन्होंने गंद किया हुआ, बहुत ज्यादा गंद किया हुआ, लेकिन ये कि समहाउ ये पकड़े नहीं जाते। और ये जो इनके लोगों का जो इन्होंने चंद लोग, पांच छह लोग छोड़े हुए हैं खुले, वो तो बात बात करते रहते हैं। एक जो सवाल और मैं आपके एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि आपने कहा है, ये आपने पढ़ा है, उसका उर्दू ट्रांसलेशन किया है जो आपने कहा है, उसका यह है कि जी द इमेज ऑफ द एप्लीकेंट वॉज द यूनिलैटरल अनऑथराइज्ड act of a sole individual who did not have the express implied or implicit consent or acquiescence of any member of the JIT. isme issue agar aisa nahi to phir naam zahir karne mein kya issue hai, if it was an individual act, ek individual tha aur understandably wo ek individual hai, क्या उसने अपने ईमा के ऊपर काम किया है या किसी के कहने या पे? किसी के कहने के ऊपर किया case, है ये जो है ये सिचुएशन जो है जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या इस एस्पेक्ट को टेक अप करेंगे कि नहीं करेंगे, तो किसने कहा? लेकिन पीजे मीर साहब, जो JIT की टीम एक मुजरिम जिसने फोटो लीक की उसका नाम सामने नहीं लेके आई आर सकरी सर अपनी रिपोर्ट के अंदर, मुझे बताएं वो पनामा लीक्स में जो मुजरिमान मुलजमान जो भी है उनका उनका क्या नाम सामने लेकर आएगी सर? इसका कोई देखिए, नंबर वन, अगर आप इस तस्वीर को देखें, ये तस्वीर ऊपर से ली गई है जहाँ के JIT का कोई मेंबर बैठा नहीं है, नहीं होता, ये किसी सिक्योरिटी वाले ने तस्वीर ली है, कोई पुलिस का होगा या जो भी सिक्योरिटी का है, ये उसने अपने टेलीफोन है या जो भी उसने उससे तस्वीर उतारी है। एक दूसरा, अगर वो तस्वीर उतर भी गई है तो ऐसी क्या बात है, वो एक इंक्वायरी दे रहे हैं और हम यहाँ बैठ कर किसी को नहीं कह सकते जब तक कि GIT किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। सर, GIT ने कहा हमने मुजरिम का पता लगा लिया 24 घंटों में, तो मुजरिम का नाम सामने लाने में क्या मजाका है? तो मुजरिम को बता दें और अगर वो गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल है उसको सैक कर दें, बिकॉज दिस इज एक तो इन्वेजन ऑफ JIT है ऑफ द इंक्वायरी, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट फेयर ऑन हुएवर इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। इस तरह की चीज नहीं होती है, ये दिस इज इन कैमरा एंड दिस इज इन प्राइवेट, और जो भी है वो आपको JIT बता, मतलब क्या ऐसी चीजों से JIT खुद अपने आप को मुतनाज़ नहीं बना रही? नहीं जी, JIT देखे ना, JIT तो नीचे बैठे हुए हैं और ये तस्वीर ऊपर है, ये तस्वीर किसी बालकनी से ली गई है, बिकॉज आप जो उसके लॉजिस्टिक आप देख, मैं अग्री करती हूँ सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन क्या वो शख्स इतना अहम है कि एक तरफ तो मियां साहब को भी पेशी के लिए बुला रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लेटर लिख रहे हैं, वो सारी चीजें पब्लिक हो रही हैं, वो सारी चीजें सामने आ रही हैं, जिस चीज को बुलाया जा रहा है, एम्बुलेंस बुला के पॉलिटिकली डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन दूसरा ये शख्स इतना अहम है कि नाम ही नहीं, इंडिविजुअल क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नाउ आप इसकी पूरी किताब फिर खोलें कि ऊपर कौन कौन था भाई, ऊपर क्या कोई दूसरे लोग भी थे जिनको नहीं होना चाहिए था, क्या ऊपर सिर्फ सिक्योरिटी थी? आप तो कोर्ट के अंदर या JIT के रूम के अंदर तो कैमरा तक नहीं लेके जा सकते, चिड़ी अंदर ना आ सकती है ना जा सकती है, तो ये पर कैसे आए वहाँ बंदे? तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू रेज्ड, आई थिंक इस चीज को आगे JIT हैज टू क्लैरिफाई कि एक्सक्यूज मी दिस इज वॉट इट इज, आप इसको अंडर कहते हैं ना अंडर रैप्स नहीं रख सकते, बिकॉज दिस विल क्रिएट मोर मिसपरसेप्शन, दिस इज नॉट फेयर आइदर ऑन द पर्सन हु इज बीइंग ट्राइड और नॉट ट्राइड बट बीइंग asked questions.